हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। आई वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर थ्री, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस फ्रॉम 11th क्लास द बुक हॉर्नबिल। कल हम दो क्वेश्चन इसके कर चुके थे और आज हम नेक्स्ट थ्री करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। वाई हैड कार्टर टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिंस टू रेज द किंग्स रिमेन्स। कि जो कार्टर है, हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने उस टोम की खोज की थी, किसकी, टट की, ठीक, जो टूटन खामुन राजा थे उनकी जो टोम थी, उनका जो मकबरा था उसकी खोज की थी। तो कह रहे हैं कि वाई हैड कार्टर टू चीजल अवे, चीजल मैंने जैसे कि छेनी थी उसे काट कर चीज़ को अलग करना। तो कह रहे हैं कि जो कार्टर ने ऐसा क्यों किया, वाई हैड कार्टर टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड, जो सॉलिडिफाइड क्या होता है, सॉलिड से आप समझते हो, सख्त होता ना, तो सॉलिडिफाइड मतलब सख्त हो चुके रेजिन्स, एक तरल पदार्थ जो कि किसी, मान के चले अगर कोई मर जाता है तो उसके डेड बॉडी को जब हम ताबूत के अंदर बंद करते हैं तो उसके नीचे एक तरल पदार्थ लगाया जाता है, उसको रेजिन्स बोलते हैं। तो खैर, मजबूत हो चुके जो रेजिन्स को, ठीक है, अलग चीज़ मतलब छीनी से अलग क्यों किया कार्टर ने, ठीक है। टू रेज द किंग्स रिमेन्स, रिमेन्स में नहीं बचा हुआ, किंग्स राजा, राजा का बचा हुआ जो अवशेष था, उसकी जो बॉडी के अवशेष जो थे, उसको निकालने के लिए, उस ताबूत से बाहर निकालने के लिए कार्टर ने छेने का इस्तेमाल क्यों किया, इसका ये मतलब सिंपल सा मीनिंग है क्वेश्चन का। आंसर है द सॉलिडिफाइड रेजिन्स हैड सीमेंटेड टट्स ममी टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन। कह रहे कि जो सॉलिडिफाइड जो रेजिन्स था, जो मजबूत हो चुका जो रेजिन्स था, उसने काफ़ी सुदृढ़ तरीके से टट की जो मम्मी थी, जो राजा टट था, उसकी जो बॉडी थी, उसको कॉफिन के बॉटम से बिल्कुल मजबूती तरीके से चिपक लिया था, ठीक है, चिपका लिया था, उसको निकालना काफ़ी मुश्किल था। देयर वॉज नो वे टू रिमूव द मम्मी फ्रॉम द कॉफिन। कोई और रास्ता ही नहीं था कि उस मम्मी को उस कॉफिन से अलग किया जाए। सो कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स, इसलिए कार्टर ने क्या किया, चीजल का यूज़ किया और उस सख्त हो चुके रेजिन्स से मम्मी को अलग किया। वाई वॉज टट्स बॉडी बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। वाई वॉज टट्स बॉडी बरीड, क्यों टट की बॉडी को दफनाया गया अलोंग के साथ, ठीक है, विद गिल्डेड ट्रेजर्स। विद गिल्डेड ट्रेजर्स का मतलब क्या, गिल्डेड होता है सुनहरा या भव्य, ठीक है, ट्रेजर्स में नहीं, खजाना, इतना भव्य खजाना उसके बॉडी के साथ क्यों दफनाया गया। इन टट्स टाइम, उस समय लगभग जो 1370 की बात है, 1370 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब समझ ना, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो जब हमारे जैसे ये मंथ और ये जैसे इसका कैलकुलेशन ये शुरू नहीं हुआ, तो उससे 1300 साल पहले की बात करें, 2000 साल ये, ठीक है, 2000 जैसे अब 20 चल रहे, और 1370 वो, अब इतना मान के चलिए, इतने साल पहले क्या माना जाता था। इन टट्स टाइम द रॉयल्स थॉट, रॉयल्स का ये मानना था दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम आफ्टर देयर डेथ, कि वो अपने साथ अपने रिचेस, अपना जो धन दौलत थी, उसको लेके जा सकते थे मरने के बाद। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ, ये सिर्फ उनके विश्वास की वजह से था कि टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्ड ट्रेजर, कि टट की बॉडी को भी उन खजानों के साथ या भव्य खजानों के साथ दफनाया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टूटन खातेन टू टूटन खामोन। जो नया राजा बना था, जो टूटन खामोन जो था, उसने अपना नाम क्यों बदल लिया था, ठीक है। टूटन खातेन उसका पुराना नाम था, टूटन खामोन नया नाम उसने रखा था, तो उसने अपना नाम क्यों बदला, इस बात का आपने जवाब देना है। तो अमुन वॉज द मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट, जो प्राचीन इजिप्ट था वहाँ का जो मुख्य देव थे, ठीक है, वहाँ के जो मुख्य देव थे वो कौन थे, अमुन थे। बट द प्रीवियस किंग, लेकिन जो पहले के जो राजा थे, हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड आटेन, उन्होंने अपने जो लोगों को, हैड मेड हिज पीपल मतलब लोगों को बाध्य करना, तो उन्होंने अपने लोगों को बाध्य किया कि वर्शिप को मतलब पूजा करना, कि किसकी वो पूजा करे, किसकी उपासना करे, उनके सूर्य देव की, जिनका नाम था आटेन, ठीक है, आटेन नाम के सूर्य देव, तो उनकी पूजा करने के लिए उन्होंने विवश किया लोगों को। ही हैड स्मैश्ड ऑल द इमेजेस ऑफ अमुन, उन्होंने स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ना,
इमेजेस, मैंने मूर्तियां या उनके जितने भी चित्र थे उनको तोड़ना। कह रहे कि उन्होंने आमून जो उनके देवी देव थे, प्राचीन जो देव थे, उनकी मूर्तियों को तुड़वा दिया। वेन टट बीकेम द किंग, जब टट राजा बने, ये रिस्टोर द ओल्ड वेज, उन्होंने पुराने जो रीति रिवाज थे, जितने भी पारंपरिक जो तरीके थे, उनको पुनः स्थापित किया। रिस्टोर मतलब पुनः स्थापना करना। ही चेंज्ड हिज ओन नेम फ्रॉम टूटन खाटेन टू टूटन खामून, उन्होंने अपने स्वयं के नाम को भी टूटन खाटेन से टूटन खामून रख लिया, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमून, जो कि मतलब कि इसका टूटन खामून का मतलब क्या था, लिविंग इमेज ऑफ आमून, कि जो उनके देव थे, भगवान थे उनके पुराने, ठीक है, उनकी जीती जागती एक तस्वीर। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।